कितने की भैया पार्किंग के ऊपर जा सकते हैं ना, ऊपर तक जाएगी क्या, यहीं तक जाएगी? हाँ तो पार्किंग है वहाँ तक जाएगी। सो गाइस यहाँ पार्किंग के लिए 50 रुपए चार्ज करते हैं और ऊपर पार्किंग स्पेस है, वहाँ तक आप जो है गाड़ी लेके जा सकते हैं, उसके आगे अलाउड नहीं है। जयपुर में हाथी दिखना कॉमन है। पहले जाते थे वहां से, हम ऐसे नीचे पार्किंग में खड़े होते थे, वहां पर ऊपर लेके जाते थे, वहां पे एंट्री था हाथी से, बाद में बंद कर दिया। नाहरगढ़ पहुंचकर मैं देखती हूँ वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। इवन जो पहली पार्किंग है जो फोर्ट के साथ ही है, वहाँ पर वो बिल्कुल ही फुल थी, एक गाड़ी की जगह नहीं थी वहाँ पर। गाड़ी बन घुमाने के लिए भी वहाँ पर अब बहुत वेट करना पड़ रहा था, और इसीलिए वहाँ पर जो फर्स्ट पार्किंग के वहीं पर उन्होंने बोर्ड लगा दिया कि आगे पार्किंग फुल है। तो अब सोच सकते हैं कि यहीं पर इतनी भीड़ है गाड़ियों की और वहाँ पर भी इतनी भीड़, तो फोर्ट पर कितनी भीड़ होगी। टिकट लेने के लिए भी वहाँ पर आधे घंटे की वेटिंग थी। तो वी थॉट टू नॉट टू गो दिस टाइम, टुमारो या डे आफ्टर टुमारो आएंगे फिर देखने के लिए। तो हमने प्लान चेंज कर लिया सडनली और अब हम आ गए हैं वापस, हम जा रहे हैं अब सांबर। हम सांबर लेक देखने जा रहे हैं, वहाँ पर अभी फ्लेमिंगोज आए हुए हैं, तब उनको देखेंगे। सांबर जयपुर से अराउंड 70-80 किलोमीटर्स दूर है अजमेर रोड पर, तो अभी हम वहीं जा रहे हैं, वहाँ पर जाकर सनसेट देखेंगे सांबर लेक पर। और ये जयपुर से लगभग 70-80 किलोमीटर दूर आगे आकर एक जगह है सांबर, वहाँ की काफ़ी फेमस लेक है सांबर लेक, ये एक्चुअली साल्ट लेक है। तो हम यहाँ पे सनसेट व्यू देखने आए हैं और सनसेट होने ही वाला है, देख सकते हैं। तो आई होप वी गोना मेक इट। अभी हमारा बस आई गेस 10 किलोमीटर और रह गया है ना, 10 किलोमीटर और रह गया है हमारा और फिर हम पहुंच जाएंगे, तो शाम नहीं होनी चाहिए तब तक। क्या टाइम हो गया, 5 बज गए हैं, 5 बजने वाले हैं। हम एक्चुअली निकल तो गए थे जयगढ़ से टाइम पर ही, पर वहां सिटी में हमें काफी टाइम लग गया था तो आते आते लेट हो गया। वीकेंड ना होने पर भी इतना रश है जयपुर में आई गेस, क्योंकि ये पीक सीजन है यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं ये है नील गाय, और यहाँ पे लोकल रोज भी बोलते हैं। देखिए सनसेट हो गया है बस, और हम पहुंच गए हैं यहाँ सांबर लेक पर। और देखिए ये सॉल्ट पैन्स है यहाँ पर, जहाँ नमक बनता है
तो जो ये टॉय ट्रेन आप देख रहे हैं, और तो इसमें घूमने के लिए मिनिमम 10 पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है तभी ये चलाते हैं, अदरवाइज नहीं चलाते। Finally we made it. Sunset होने ही वाला है. Beautiful. यहाँ पे एक ये restaurant है. और ये यहाँ पर ये सांबर हेरिटेज रिजोर्ट है, ये इसके इसका मेन्यू है ये. एक छोटा डिब्बा चलता हुआ आ रहा है. और ये जो छोटा डिब्बा आप देख रहे हैं इसमें अप टू 4 पर्सन जो है ये इसमें घुमाते हैं, इसमें लेके जाते हैं आगे तक दिखाने के लिए। यहाँ पर एक अंग्रेजों के टाइम का फ्यूल स्टेशन है और बाकी सांबर लेक सॉल्ट पैंस वो दिखाते हैं इसमें। तो अभी तो इनका जाने का टाइम हो गया है, यहाँ पर सब कुछ बंद हो गया है, हम थोड़ा लेट हो गए आते आते। हमें सिटी में यहाँ पर हमें नाहरगढ़ से और अजमेर रोड आते आते जो है कम से कम 1.5 से 2 घंटे लग गए, इतनी भीड़ थी। एंड वी फाउंड कि जयपुर में ट्रैफिक भी इस टाइम एक्सट्रीम पर था, तो हमें बहुत टाइम लग गया आते आते। वो भी तो ये पैकअप कर रहे हैं, इस पैटर्न को भी अभी वापस लेके जाएंगे। भैया नहीं देख सकते ट्रेन को, दिखा दोगे? भैया आपको ट्रेन दिखाते हैं। हम चढ़ पड़े हैं ट्रेन में, के 6 बजे हैं और अभी हम निकल चुके हैं बर्ड वॉचिंग के लिए। हम जा रहे हैं फ्लेमिंगोज देखने और हमें देखने जा रहे हैं, हमारे साथ हैं ये लक्की जी। एक्चुअली जहाँ पर ये स्टेशन था इसके सामने ही सांबर लेक पैलेस होटल है, यहाँ इस होटल के लक्की जी केयर टेकर है, तो ये हमें पूरा टूर कराने लेके आए हुए हैं। तो रात को हम इसी होटल में रुके हैं यहाँ पर, वापस जयपुर नहीं गए और अभी मॉर्निंग में हम जो है बर्ड वॉचिंग के लिए आ गए हैं। आइए पहले आपको दिखाते हैं सनराइज, उसके बाद दिखाते हैं फ्लेमिंगोज। और ये कैमरा की सेटिंग करते हुए यहाँ पे आके मतलब वो ठीक हो जाता है गले की प्रॉब्लम, सांस की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है यहाँ पर आकर है। तो मतलब ये जो बदबू है ये अच्छी है हेल्थ के लिए। तो यहाँ पर जब आते हैं तो कहते हैं कि यहाँ जो सॉल्ट की जो स्मेल है उससे आपके जो जितने भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है ना सारी ठीक हो जाती हैं। आई होप कि हमारे भी हो जाए अगर कोई हो तो। फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं कि सनराइज हो रहा है और हमारा आज का सनराइज हम देख रहे हैं सांबर लेक में। ये देखिए दूर दूर तक हमारे अलावा कोई नहीं है। ऐसी अच्छी फीलिंग मुझे बहुत दिनों बाद आई है, भीड़ भाड़ से दूर। तो अच्छा हुआ कि हम नाहरगढ़ नहीं गए और हमें यहाँ सांबर लेक पर जो है सनराइज देखने को मिला। कल हमने यहाँ सनसेट भी देखा और अब सनराइज भी देख रहे हैं। और अभी हम जा रहे हैं बर्ड वॉचिंग के लिए जहाँ हमें बहुत सारे फ्लेमिंगोज देखने हैं, वो जो है ना उस साइड है, अभी वहाँ चलते हैं। और ये ग्रेस यहाँ पर बहुत इंजॉय कर रही है। ग्रेशु हेलो कर लो, हेलो। मामा कार चलाती है।
देखिए यहाँ पर मैडम ड्राइव कर रही हैं, बिकॉज़ यहाँ ना तो कोई ट्रैफिक है, ना रूल्स है, ना रेगुलेशंस हैं, जहाँ मर्जी घुमा दीजिए। अभी हम सांबर लेक पर ही हैं और अब हम आए हैं बर्ड्स वॉचिंग के लिए। ये मेरे पीछे देखिए सारे फ्लेमिंगोज हैं, लाखों फ्लेमिंगोज हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ की मिट्टी देखिए सूख के कैसी हो गई है, यहाँ का पानी पूरा सूख चुका है, तरेड़े आ गई धरती में। क्या खाई खाई करेगी यहाँ पर? अगर आपको थोड़ी थोड़ी आवाज़ भी आ रही हो ना, देखिए बर्ड्स की आवाज़ भी आ रही है हमें यहाँ तक। आप यहाँ से 1 किलोमीटर दूर से इनकी आवाज़ सुन सकते हैं और भी पीछे से। यहाँ इतनी शांति है ना, यहाँ कोई शोर शराबा नहीं है, तो आप बहुत दूर से इनकी आवाज़ सुन सकते हैं। हाँ देखिए ये फ्लेमिंगो, हम इनके जैसे जैसे पास आ जा रहे हैं ना, इनकी वॉक स्टार्ट हो गई है और ये हमसे दूर जाना स्टार्ट हो गए हैं। देखिए वो भी आगे जा रहे हैं ना, ये तो सारा गीला कीचड़ है ना यहाँ पर आगे। ये आ जाओ पास आ जाओ। ये देखिए अब ये सारे फ्लेमिंगोज, जितनी दूर आपकी नजर जाएगी ना उतने फ्लेमिंगोज हैं ये। अभी कहाँ जाना हमने? सो फ्रेंड्स अभी हम यहाँ से आगे नहीं जा सकते, बिकॉज यहाँ से पूरा कीचड़ स्टार्ट हो जाता है ये पूरा। अगर आप जाएंगे अंदर तो पूरा कीचड़ में धस सकते हैं, और जितना फ्लेमिंगो उसके पास जाएंगे ना वो उतनी हमसे दूर चलते जाएंगे। तो ये पूरी लाइन है फ्लेमिंगोज़ की, दूर दूर तक वहाँ से लेकर ऐसे पूरा ये दिख रहे हैं। देखिए आप आगे चले वहां तक, उधर तक ले लो, इधर कीचड़ है। ये देखिए कितने पास हैं ये वाले। अब ये नहीं उड़ेंगे, इनको लग रहा है कि ये लोग आगे जा रहे हैं। बस बहुत है, रुक जाओ रुक जाओ, जो उड़ गया उड़ गया उड़ गया उड़ गया। चलना स्टार्ट हो गया इनका, देखिए आगे देख कैसे आगे जाए जा रहे हैं, इधर भी इधर भी। अरे यार ये छोड़ कर देखो, ओह गियर भी बदलना इसको।
ये क्या दिख गया थे? गियर लगाओ चलो। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ हम ये लेक के बीचों बीच हैं बिल्कुल, और हमारे इधर है ये फ्लेमिंगोस सारे। हवा ठंडी है बाहर ऐसे यहाँ तो आपको गाड़ी का जो हैंडल है वो पकड़ने की जरूरत ही नहीं है अपने आप जाने दो और देखिए स्पीड, मॉर्निंग के टाइम में 9 बजने वाले हैं। सो फ्रेंड्स अभी हम पहुँच गए हैं माता शाकंभरी देवी जी के टेंपल पर, क्योंकि सांभर से अराउंड 18 किलोमीटर्स है और यहाँ लेक के पास ही है बिल्कुल। और ये आप देख सकते हैं मेरे साथ में ये कल्पवृक्ष है। कितना पुराना होगा ये कल्पवृक्ष उनका पता होगा? उनको भी नहीं पता होगा ये भी देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कल्पवृक्ष। यहाँ पे कुछ भी बांध सकते हैं, कुछ भी दान कर सकते हैं, होती है पूरी मन्नत चलो आओ ग्रेस चलो चलते हैं ऊपर। जय कर दो, जय जय। भीड़ होती होगी वैसे तो यहाँ पर कभी ना कभी तो। यहाँ से आ सकते हैं, कोई नहीं लिया कहीं कर देंगे। हाँ नहीं इधर तो नहीं। जय करो, जय जय कर दो, जय 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 माता दी, जय माता दी करो। चलो पंडित जी कितना पुराना मंदिर है ये? 2500 वर्ष पुराना। पृथ्वीराज चौहान वंश की कुल देवी। अच्छा पृथ्वीराज चौहान जी थे कुल देवी माता है। अच्छा अच्छा ये पेड़ जो लिखा कल्प वृक्ष ये कितना? ये तो पंडा था पुराना भी नहीं है। अमेरिका से आया था। अच्छा उसने लगवाया। डॉक्टर। अच्छा बोला है। अच्छा तुझे हर जगह ही लगते हैं। अच्छा तुझे 10 जगह बीच के गोवा पर मशीन से देखा है उसको जनता चाहे खाने लगा 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 या लगा मंदिर के पास। मंदिर के बाहर ही जितने भी कल पक्ष होते हैं जो भगवान के मंदिर में। अच्छा ऐसे कहानी समय की बातें हैं। हाँ करो दर्शन और। हाँ अच्छा अच्छा ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। यहाँ की भी कोई कहानी है कि ये मंदिर बनाया ऐसा कुछ? ये बना कहानी है पृथ्वीराज चौहान वंश की कुल देवी है। अच्छा 12 कोट घोड़ा फिरे हुई चांदी की खा। अच्छा मुझे कौन खाने दे मैया लड़ती आलम जान तभी कर दिया नमक पान। पृथ्वी राजा को वरदान दिया कि जा तो घोड़ा घुमाएगा वह चांदी बन जाएगी। अच्छा राजाओं का राज था। हाँ घोड़े पे सवार होकर चलते चलते चलना चलते चलना पर पीछे मुड़ के मत देखना। हाँ चलते रहे आके आके उनके मन में विचार आते रहे कि माताजी ने वरदान तो दे दिया पर चांदी बन भी है कि नहीं। हाँ देखो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो पूरी धरती चांदी से चिलक गई। उन्होंने देखा चांदी तो भी पर मुझे कौन खा देगा दुनिया लड़ेगी कटेगी मरेगी वरदान नहीं चाहिए। अपने घर गए अपने घर जाके माँ को कहा माँ मुझे वरदान मिला। माँ ने भी खड़ी होकर देखा तो पूरी धरती चांदी से चल गई। माँ ने कहा बेटा चांदी तो हो गई काट ही दी ये चौड़े की चीज ये वरदान नहीं चाहिए अपन को। अपन को जीना है तो दोबारा माँ बेटे आते माँ की पूजा अर्चना करके माँ को पसंद करते तो दोबारा माँ वरदान नहीं चाहिए जा न चोले जाएगा न कोई लड़ेगा न कोई मर गया कच्ची चांदी नमक बन गया तो ये नमक बन गया ये नमक बन गया। अच्छा कमरी नाम था तुम्हें काल पड़ गया था
खाने के लिए अंधी, राह पीने के लिए पानी है, तो देवता लोग भी देखते थे शाख है, तो देवता लोग वाले बैठ के तय किया कि शाकंभर की पूजा अर्चना, तो उन्होंने बैठ के शाकंभर की पूजा अर्चना की, शाकंभर को पसंद किया, तो शाकंभर का ध्यान देता है उसे जल की वर्षा हो, उसे शाक शक्ति बल पैदा हुआ, इसलिए इसका नाम है शाकंभरी शाकार। हाँ शाक मतलब हाँ खाना पीना ये। अच्छा धन्यवाद। हाँ हाँ तो यहाँ भी, तो यहाँ भी गाड़ी लगा सकते थे इधर भी, ये कितना दूर था ये यहाँ पर इधर ही सामने। हाँ यहाँ पर भी लगा सकते थे, पर इधर से यहाँ मंदिर भी ले आए ना, उससे क्या फर्क पड़ा, इतना इतना दूर वैसे ही वो घुमा फिरा के लाए। कभी आप बाय रोड आओ तो पता चलेगा ना। नहीं तो इधर से आना है। ओले फ्लावर, अरे मेरे बाबू का फ्लावर आ गया। ये फ्लावर तो बहुत लेती है। चलो क्या करना है इसको, कभी चीज में याद आता सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शूटिंग हुई है, जो मूवीज़ हैं पीके रामलीला, यहाँ शूटिंग हुई है सारी इनकी। रामलीला में देखिए ये सीन दिखाया गया है, यहाँ का ही सीन है जो यहाँ पर जो रणवीर कपूर बोतल फोड़ता है और एक हंगामा करता है। और पीके मूवी में जो यहाँ पर जाते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है सांभर झील। सो ये सारा सांभर झील का एरिया है और ये शूटिंग पॉइंट है यहाँ पर ये। ग्रेस हेलो कर दो, हेलो 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 हेलो, बूम बूम कर, बूम बूम, आ जा भाई चलते हैं। देखिए लिखा हुआ दृष्टि स्थल व्यू पॉइंट, यहाँ पर बैठकर आप जो है सनराइज देख सकते हैं, बहुत बढ़िया सनराइज दिखता है यहाँ से। और ये आप देख सकते हैं कि अभी गुरु रंधावा जी यहाँ पर आए थे अपने एक नए सॉन्ग की शूटिंग करने के लिए, और ये यहाँ पर अपने अवशेष छोड़ के चले गए हैं। ये देखिए कितना प्लास्टिक छोड़ दिया। दूर दूर तक तो प्लास्टिक भी बिखेर दिया पूरे इसमें, ये देखिए यहाँ पर ये। मतलब अगर आप आ रहे हैं थोड़ा रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए, जो इनके इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं जो ये, थोड़ा इनको देखना चाहिए कि भैया क्या करके जा रहे हैं इधर। टक्कर तो नहीं मार देगी ना ये? नहीं नहीं नहीं। किधर जाना अभी? अभी अपन रोड से चलेंगे, वो वाला रास्ता है। एक पास में हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं। आराम से चलना, आराम से। देखो देखो कितनी सारी शीप है। सो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे यहाँ के सॉल्ट पैंस कि नमक कैसे बनता है यहाँ पर। तब तक कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़ एंड थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।